चलिए इस वक्त की बेहद बड़ी खबरों से रूबरू होते हैं। उससे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले गांव के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में त्योहारों में सोशल मीडिया पर खास नजर, अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। जी हां, यह नया नियम उत्तर प्रदेश के हर एक एक नागरिक पर आज से और अभी से लागू होता है। दरअसल आगरा के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आज आगामी त्योहारों बरावफात व गणेश चतुर्थी व गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर यदि किसी ने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाहें फैलाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन से सभी को अवगत कराया गया है। सौहार्द और भाईचारगी के साथ त्योहार मनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए का बड़ा एक्शन। यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापे, संदिग्धों की तलाश जारी। जी, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण स्थितियों के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज देश भर में खालिस्तानी टेरर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि एनआईए ने आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में छापेमारी की। यूपी के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और अलीगढ़ समेत कुछ अन्य जिलों में छापेमारी की गई है। एनआईए खालिस्तान समर्थक संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि एनआईए को जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर खालिस्तानियों के समर्थक बैठे हुए हैं और उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घिसे पीटे सिलेबस छोड़े, इंडस्ट्री की जरूरत पर दे ध्यान। यूपी के तकनीकी संस्थाओं को सीएम योगी की सलाह। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया है कि तकनीकी संस्थानों को घिसे पीटे कार्यक्रम को छोड़ नए पाठ्यक्रमों को लागू करना होगा। इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्स शुरू करने होंगे। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व पीजी डिप्लोमा कोर्स के लाभ होगा। समाज की जरूरतों पर रिसर्च और इनोवेशन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएं, इनोवेशन का पेटेंट कराएं। उत्तर प्रदेश में ट्रैक छोड़ मथुरा में प्लेटफार्म पर चढ़ी दिल्ली से आने वाली ट्रेन बिजली के पोल तोड़ती हुई घुसी। जी हां, बता दी कि उत्तर प्रदेश के दिल्ली के शकुर बस्ती में मथुरा जंक्शन आने वाली शटल का इंजन अनियंत्रित होकर स्टॉपर तोड़ते हुए प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर चढ़ गया। इस घटना के कारण 2 से 3 OHE खंभे टूट गयी और इस प्लेटफार्म पर यातायात बाधित हो गया है। बता दें कि इसके बाद कई ट्रेनों को मथुरा से पहले आने से रोका गया। वहीं दिल्ली के शकुर बस्ती से मथुरा आने वाली शटल लगभग 10:49 पर मथुरा आ गई थी। इसके बाद इसकी सब सवारियां उतर चुकी थी। जानकारी के मुताबिक सवारियों को उतारने के लगभग 15 मिनट बाद शटरिंग स्टाफ ट्रेन को खड़ी करने के लिए प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर ले जा रहे थे। इसी दौरान अचानक तकनीकी खराबी के कारण यह घटना हुई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29 सितंबर को भी छुट्टी, लगातार 4 दिन बंद होगा कोर्ट। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में 29 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की अधिसूचना के अनुसार इस अवकाश के बदले 16 दिसंबर को कार्य दिवस घोषित किया गया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट व लखनऊ बेंच में 28 सितंबर को बरावफात का अवकाश है। गुरुवार व शुक्रवार को अवकाश होने से हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में लगातार 4 दिन छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जयंत के लिए इतनी सीटें छोड़ेंगे अखिलेश, क्या खत्म होगा क्लेश, आप भी जान लें। जी हां, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद शुरू हो गई है। जाहिर है देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर सबकी नजर है। यहां गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी लगातार त्याग और बड़ा दिल दिखाने की बात कर रही है। अब सूत्रों से पता चला है कि घटक दलों के लिए सपा उन सीटों को छोड़ सकती है जहां पिछले कई चुनाव से या कभी भी उसकी जीत हुई ही नहीं है। वही पार्टी प्रदेश की 60 से ज्यादा सीटें लड़ने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अखिलेश, कांग्रेस और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को 18 सीटें दे सकती है। सपा को उम्मीद है कि प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात में ये दोनों दल इतनी सीटों पर मान जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन 21 सीटों पर दावा कर सकती है जिन पर 2009 के चुनाव में उसे जीत हासिल हुई थी। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए वेस्ट यूपी की कई सीटों पर दावा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सपा विधायक राहुल लोधी पर मां और भाई ने लगाए जान से मारने की धमकी देने का आरोप, डर से गांव छोड़ा। जी हां, रायबरेली में सपा विधायक की गुंडई सामने आई है। राहुल लोधी पर उनकी मां और उनके भाई ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन पर उनकी सौतेली मां और भाई ने आरोप लगाते ही SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि यह बात सही है या नहीं, यह खबरों के हवाले से पता चल रहा है। उन्होंने रायबरेली पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज की है। इस मामले में SP ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं राहुल की सौतेली मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत की।
उत्तर प्रदेश के अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को लाइसेंस सस्पेंड होने के मामले में फिलहाल राहत नहीं। एचसी ने सरकार से पूछा कब पूरी होगी जांच। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश में अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन मामले को लेकर हाईकोर्ट गए अस्पताल प्रबंधन को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। हालांकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में जांच कब तक पूरी होगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है कि मामले में जांच कब तक पूरी हो जाएगी। न्यायालय ने फिलहाल अस्पताल को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की खूबसूरत रामगढ़ झील में उतरेगा सी प्लेन। सीएम योगी ने जीडीए को दिया ये आदेश। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ ताल झील में सी प्लेन उतारने की कवायद को अब जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीडीए को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कराने का निर्देश दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रशासनिक पुलिस और प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं, वह अपने तय समय में पूरा हो, इसका विशेष ध्यान रखें, इसमें विलंबन नहीं होना चाहिए। अब अयोध्या में सोने की शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा। मांगी पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ लेने की मनोकामना। जी हां, अयोध्या में राम दल ट्रस्ट ने सोने की शिवलिंग की स्थापना करने की घोषणा की है। रामनगरी में स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना हो सकती है। इसके लिए राम दल ट्रस्ट ने एक मनोकामना मांगी है और वो मनोकामना पूरी होते ही शिवलिंग स्थापित की जाएगी। दरअसल अपनी मनोकामना के साथ रामदल ट्रस्ट ने घोषणा करते हुए बताया कि मनोकामना पूरी होने पर उनकी ओर से अयोध्या में सोने की शिवलिंग स्थापित की जाएगी। उन्होंने मनोकामना मांगी है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे तब रामदल ट्रस्ट की ओर से शिवलिंग स्थापित की जाएगी। जानकारी के अनुसार सरयू नदी तट पर स्थित रामादल यज्ञशाला के संत अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा होते ही सोने की शिवलिंग स्थापित करेंगे। कुछ राज्यों में फैशन बना बुलडोजर एक्शन, कोई पॉलिसी बना दो, एससी में चली लंबी बहस। जी हां, कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन एवं फैशन बन गया है और इसे लेकर सरकार को कुछ गाइडलाइन तैयार करनी होगी। इस तरह घरों पर एक्शन चलाना तो आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यह मुद्दा उठाया और बेंच से कहा कि इसको लेकर नियमावली तय करने की जरूरत है। दवे ने अप्रैल 2022 में जहांगीरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के सामने यह मांग की है। जहांगीरपुर में एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि उनकी बात को काटते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं और आधी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुर में जहां एक्शन हुआ उसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की ही है। इनमें से कई हिंदू ऐसे थे जो बुलडोजर एक्शन से प्रभावित हुए हैं। इस मामले में अदालत ने अब अगले बुधवार को सुनवाई की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये होने जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक जाएंगी ई बसें। ये रही पूरी डिटेल। जिया बता दें कि काशी दर्शन में ई बस सेवा को मंजूरी मिल गई है। आज सुबह से शाम तक कैंट रेलवे स्टेशन से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक 2 नई बसें चलाई गयी। इससे श्रद्धालु आसानी से धाम तक पहुँच सके। अभी गदौलिया तक वाहन से जाने आने की सुविधा ही मिल पा रही थी। इसके अलावा 100 ई बसों को पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। वही मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 27वीं बैठक हुई। इसमें बसों के संचालन व विस्तार पर मुहर लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में हापुड़ लाठीचार्ज मामला। 3 अक्टूबर तक न्यायिक कार्यों से रहेंगे विरत वकील, सिर्फ बेहद जरूरी काम ही करेंगे। जिया बता दें कि हापुड़ में लाठीचार्ज की घटना के बाद से लगभग 1 माह से हड़ताल पर चल रहे लखनऊ बार एसोसिएशन के वकील 3 अक्टूबर तक न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे लेकिन अति आवश्यक कार्य करेंगे। वहीं एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को वकीलों की आम सभा हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल हापुड़ जाकर वहां के वकीलों से विचार विमर्श करके आगे की रणनीति बनाएगा। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव के करीबी थामेंगे कांग्रेस का हाथ, सपा में तवज्जो नहीं मिलने का लगाया आरोप। जिया बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के करीबी दिनेश सिंह सहित तमाम सपा नेता 3 अक्टूबर को कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। 3 को कांग्रेस कार्यालय में होने वाले समारोह में पूरब से पश्चिम तक के तमाम नेता कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इन नेताओं का आरोप है कि उन्हें सपा में तवज्जो नहीं मिल रही है। वहीं बता दें तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया है। उम्मीद थी कि प्रसपा के सभी नेताओं को सपा में समायोजित कर लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में नगर सहकारी बैंक पर आरबीआई सख्त, 4 करोड़ का लोन बकाया जमा नहीं करेगा तो बैंक की बंदी थे। जी हां, बता दें कि नगर सहकारी बैंक ने अपने खाता धारकों को करीब 4 करोड़ रुपए लोन दे दिए हैं। यह रकम 23 वर्ष में दी गई है और इसकी रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी है। अब एनपीए खाते के इस लोन को जमा कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सख्ती की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बकाया रकम को जमा करने के लिए आरबीआई ने समय सीमा भी तय कर दी है। अगर तय अवधि में रकम जमा नहीं होती है तो आरबीआई बैंक के संचालन पर भी रोक लगा सकता है। आरबीआई ने बंदी के भी संकेत दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पर बोली अनुप्रिया पटेल, इसकी स्थिति मरता क्या न करता जैसी हो गई है, सता रहा है ये डर। जी हां, बता दें कि बीएचयू में आयोजित रोजगार मेला में कार्यक्रम के बाद इंडिया गठबंधन पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सामने कहीं नहीं है, इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे मरता क्या न करता। इंडिया में जितने भी दल हैं उनके सामने अस्तित्व का संकट है, आपस में विरोधाभास है, अभी तक तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है, यह प्रयोग है लेकिन असफल है। उत्तर प्प्रदेश में तेजी से फैला डेंगू, 5 से 8 दिन तक रहे सतर्क, घबराए नहीं, इस तरह के लक्षण दिखे तो करे ये उपाय। जिया बता दें कि प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें 20 से 30% मरीज डेंगू 2 स्ट्रेन के भी हैं। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू 2 स्ट्रेन के मरीज हर साल मिलते हैं, ऐसे में इसे घबराने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि 5वें से 8वें दिन विशेष सावधानी बरतें, शरीर पर चकत्ते दिखे तो तत्काल चिकित्सक से सलाह ले लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जानिए किस विभाग में कितने पद है खाली, सीएम योगी ने जल्द भरने के दिए निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप यूपी में टीचर, डॉक्टर, पुलिस या वन विभाग की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा है। तो बता दें कि डॉक्टरों के करीब 6000 पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी सबसे ज्यादा मौके हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह क के 96, समूह ख के 3172, समूह ग के 41136 और समूह ग के 22230 पद रिक्त हैं। इसमें अप्लाई करके आप उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में नौकरी पा सकते हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51112, खंड शिक्षा अधिकारी के 34, कनिष्ठ सहायक के 8075 और परिचारक के 3919 पद खाली हैं। इसमें आप टीचिंग के साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर नौकरी पा सकती हैं। साथ ही वन विभाग में भी 4130 पद खाली हैं। वहीं सीएम योगी ने इस पर कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुगमता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ले। तो खबरों में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज की ताजा अपडेट के लिए उपयुक्त खबर जानकारी को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान जरूर